हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकेशन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशल जिसमें वीवो कंपनी के वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन का यूज़ करते हो तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ कंपनी के वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर आप लोग को एक सेटिंग्स देखने के मिलता है। जो सेटिंग्स है वो ये है कि आपका फोन के अंदर आप लोग को एक रिफ्रेश रेट नाम के अंदर आप लोग को एक फीचर देखने मिलता है, और आपका जो उस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है, आपने जब यह फोन को परचेस किया था उस फोन का स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने आपका बॉक्स के अंदर जब चेक किया था या फिर ऑनलाइन चेक किया था, तो वहाँ पर आप लोगों को आपका फोन का उस फोन का डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो आप लोगों को यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का आप लोगों को रिफ्रेश रेट देखने के मिला था। लेकिन उसके हिसाब से आप लोग का जो फोन है वो एक्चुअली आपका 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो वो आप लोग कैसे पता करना है या फिर आपका फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है उसको किस तरीके से इंक्रीज करना है, उसका सर्च करके मैं आप लोग को आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ एडवांस यहाँ पर बातें बता देता हूँ। बहुत से लोगों का मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो एक्चुअली क्या है। दोस्तों, जो रिफ्रेश रेट है वो आपका फ़ोन का, चाहे कोई भी फ़ोन हो, ठीक है, जिस फोन का रिफ्रेश रेट हाई रहेगा तो वहाँ पर आपका फ़ोन का जो स्पीड है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा, मतलब आपका फ़ोन यहाँ पर स्लो नहीं होगा और बहुत यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर काम करेगा आपका फ़ोन, ठीक है। तो उसी को आप लोगों ने इस फ़ोन के अंदर बढ़ा सकते हैं मैनुअली, वो सेटिंग्स दिया गया है, ठीक है। तो वो कैसे करना है उसके लिए आप लोग इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और वीडियो को कहाँ पर स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को एक सेकंड पर स्किप कर देंगे तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो मैं चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पर यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर, एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोग को ओपन करना पड़ेगा सेटिंग्स को। तो फाइनल मैंने इस सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, आप भी सिंपली आपका मोबाइल फोन के सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। एंड सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड नीचे की तरफ जाना है, एंड नीचे की तरफ जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है। एंड स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रीन रिफ्रेश रेट कैन बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द यूसेज सिनेरियो एंड सिस्टम पावर कंजप्शन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ये जो सेटिंग देखने मिल रहा है उसका मतलब ये है कि आपका फोन के अंदर जो भी सीनरीज वगैरह देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन वगैरह फीचर वगैरह देखने को मिलता है, उस फीचर के हिसाब से आप लोग का जो यहाँ पर रिफ्रेश रेट है वो आप लोग का यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपका 90 जो हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो एक्चुअली यहाँ पर सेटिंग इनेबल नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए रिफ्रेश रेट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका जो मोबाइल जो वर्किंग जो तरीका है, मतलब काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्टैंडर्ड, यहाँ पर देख सकते 60 हर्ट्ज़ का, ठीक है, ये भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को आपका फोन के अंदर कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका रिफ्रेश रेट हाई हो जाएगा। देखिए ये सिंपली आपका रिफ्रेश रेट देखिए मैनुअली, मैं सिंपली क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, उसका स्पीड देखिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं सिंपली इसको काट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद 60 हर्ट्ज़ कर रहा हूँ, अब इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर बढ़ चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 90 हर्ट्ज़ कर दूंगा तो वहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को सामने यहाँ पर प्रूव करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 90 हर्ट्ज़ मैं कर देता हूँ। देखिए उस समय मैंने ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ, देखिए ब्राउज़र को जैसे मैंने ओपन किया वो बहुत फास्ट क्विकली यहाँ पर काम कर रहा है, यानी आपका जो रिफ्रेश रेट है वो एक्चुअली 90 हर्ट्ज़ हो रहा है इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद 90 हर्ट्ज़, ठीक है। देखिए 90 हर्ट्ज़ जब आप लोग ऑन कर देंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगा, आपका यहाँ पर जो फोन का जो बैटरी चार्ज है वो बहुत ज़्यादा यूज होगा, यहाँ पर देख सकते लिखा भी हुआ है ये रिफ्रेश रेट आप 290 हर्ट्ज़ क्रिएट, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट्स ए स्मूदर एंड मोर रिफाइंड डायनेमिक डिस्प्ले बट इट ऑल्सो इंक्रीज सिस्टम पावर कंजप्शन, यानी आपका रिफ्रेश रेट बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, आपका फ़ोन बहुत फास्ट काम करेगा, लेकिन आपका जो बैटरी का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल्दी खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे आपका फ़ोन बहुत हैवी यूज़ होगा, ठीक है, आपका रिफ्रेश रेट हाई हो जाएगा तो वहाँ पर आपका जो बैटरी है वो भी बहुत यहाँ पर ज़्यादा मतलब बहुत फास्ट बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन बहुत फास्ट काम करे तो वहाँ पर आप 90 हर्ट्ज़ यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटरी यहाँ पर जो कंजप्शन है वो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेन ना हो तो वहाँ पर आप लोगों ने 60 हर्ट्ज़ रख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑटोमेटिकली भी रख सकते हैं और 60 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं और 90 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं, तो आपका हिसाब से ये आपको सिलेक्ट करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों ने आपका जो मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, इस वीवो T3 लाइट 5G मॉडल का मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रिफ्रेश रेट है उसको हाई कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल 90 आर्ज कर दिया। अभी मैंने सिंपल ब्राउज़र ओपन करके दिखा देते, ये देख सकते बहुत फास्ट नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते बहुत फास्ट नहीं ओपन हो रहा है। 5G डाटा यहाँ पर इनेबल है, ठीक है। चैनल आप लोग यहाँ पर देख सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। तो 99% लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते 70,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पर ये ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, वीवो ब्राउज़र। यहाँ पर देख सकते स्पीड देख सकते हैं, मतलब इतना फास्ट काम कर रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली मेरा एक जो ऑफिशियल साइट है उसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तो उसका स्पीड आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली technicalsun.com में सर्च कर रहा हूँ जो कि रिफ्रेश रेट दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा साइट आ चुका है। उसके बाद आप लोग पता चला कि किस तरीके से बहुत कितना फास्ट काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर फास्ट लोडिंग ले रहा है। सिंपली कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितना जल्दी यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे मतलब इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप लोग जरूर मेरा इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल टिप्स कंप्यूटर टिप्स के ऊपर बहुत सारे जो आर्टिकल वगैरह है वो मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते बहुत सारे ऐसा जो मतलब आर्टिकल है वो यहाँ पर मैंने पोस्ट करके रख चुका हूँ, जो technicalsun.com नाम है। तो आप लोग इस तरीके से आपका जो रिफ्रेश रेट है इस फ़ोन के अंदर उसका सेंस को ऑन कर सकते हैं। ओके।